आगे टॉपिक आता है सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी रिसेप्शन ये छोटा सा टॉपिक आता है, इसे समझिए। एंड प्रोसेसिंग, थोड़ा सा शब्द और लिखा है, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। वैसे हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में पढ़ा है कि हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां? पांच ज्ञानेंद्रियां दिया है। बोलो, अभी मैं उन पांच ज्ञानेंद्रियों के नाम यहां लिख रहा हूं, आप पहले उन्हें समझिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा। ओके, सेंसरी रिसेप्शन में सबसे पहला टॉपिक आता है रिसेप्टर। मेरे बच्चे, इसका जवाब आपसे चाहिए मुझे। व्हाट इज रिसेप्टर? आप मुझसे बोलेंगे इट इज अ सेल। बोलो, इट इज अ टिश्यू। बोलो, इट इज अ ऑर्गन। इट इज अ ऑर्गन। बोलो, इट इज अ टिश्यू ऑर्गन। फिर से बोलो, इट इज अ सेल टिश्यू ऑर्गन दैट कैन रिसीव द स्टिमुलस एंड सेंड इट टू द सीएनएस। क्या? सीएनएस। व्हाट इज रिसेप्टर? प्लीज बोलिए। इट इज अ सेल टिश्यू और ऑर्गन। ओके, विच कैन रिसीव द स्टिमुलस एंड कैन सेंड इट टू सीएनएस। और सीएनएस में एक लोग की दो लोग? एक कौन? स्पाइनल कॉर्ड और एक ब्रेन। Those cells, those tissues, those organs are known as receptor. उन्हीं कोशिकाओं, उन्हीं tissues, उन्हीं organ का नाम receptor है। और वो receptor total आपकी body में पांच प्रकार के हैं। सबसे पहला receptor जो आपको आना चाहिए, आप ध्यान सुनेंगे, आएगा आपको। And it is known as tactile receptor. Tactile receptor, also known as touch receptor, sometime they also convert into pain. Yani pain receptor is a type of tactile receptor, touch receptor, and they are present in skin and muscles. Skin mainly, touch receptor mein pain to hata do, keval touch receptor samjho. Skin mein present tactile receptor. दूसरे प्रकार के रिसेप्टर हैं, इन्हें बोलते हैं कीमो रिसेप्टर। आपकी बॉडी कुछ केमिकल को रिसीव कर सकती है, दीज आर नोन एज कीमो रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर में दो लोग आते हैं, एक आती है स्मेल और एक आता है टेस्ट। टेस्ट को रिसीव करना केमिकल को रिसीव करना है, स्मेल को रिसीव करना भी केमिकल को रिसीव करना है। स्मेल के रिसेप्शन को बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए भगवान ने हमें एक ऑर्गन दिया है, नाम है नोज, नाक। टेस्ट के लिए भगवान ने हमें दिए हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। शब्द याद रखना, गस्टेटरी। और गस्टेटरी रिसेप्टर के लिए भगवान ने हमको दिया टंग। तो नोज और टंग ऑलमोस्ट एक ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं, और वो मैकेनिज्म है कीमो रिसेप्शन की। इसलिए ध्यान सुन लो, जिस दिन तुम्हारी नाक बहुत तेजी से बंद होती है जुखाम की वजह से, उस दिन खाना भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बेटा नाक भी कीमो रिसेप्टर है और टेस्ट भी कीमो रिसेप्टर है, कारण वही है। आगे चलो, कीमो रिसेप्टर के बाद आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर दैट इज नोन एज लाइट रिसेप्शन। यहां पर बेटा लाइट का रिसेप्शन है, और लाइट रिसेप्शन का मतलब है आप विजन देख कर पा रहे हैं, विजन। और विजन के लिए भगवान ने आपको एक ऑर्गन दिया है, दैट इज नोन एज आई। तो मेरे पास यही जगह बच जाती, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, चौथे तरीके, पांचवे तरीके का रिसेप्शन है, इट इज नोन एज साउंड रिसेप्शन और ऑडिटरी रिसेप्शन।
ऑडिटरी रिसेप्शन, इसके लिए भगवान ने आपको दिया है बेटा ईयर, और इसमें आप लोग साउंड वेव को रिसीव कर पा रहे हैं। साउंड वेव अब इन्हें ज्ञानेंद्रियों के रूप में देखेंगे, स्किन त्वचा याद रखना, इसके बाद नाक नासिका, ओके, टंग जिह्वा, तीन हो गए, ओके, आई आंख, ईयर कान, कितने रिसेप्टर, पांच। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको आपने देखा। इन्हीं पांच ज्ञानेंद्रियों में एक बेटा टिश्यू है, दैट इज स्किन, बाकी ऑर्गन है। बोलो, नोज इज अ ऑर्गन, ओके, टंग इज अ, आई इज अ, ईयर इज अ। इसीलिए हमारे बुक ने सेंसरी ऑर्गन नाम का एक टॉपिक बनाया। देखो आप, अगला टॉपिक क्या है, सेंसरी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन, बताओ सेंस ऑर्गन में कौन नहीं आएगा, स्किन, बिकॉज स्किन इज अ टिश्यू। और तभी मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी, याद आया, व्हाट इज रिसेप्टर, दे मे बी सेल टिश्यू ऑर्गन विच कैन रिसीव स्टिमुलस एंड कैन सेंड इट टू CNS। तो भाई चलो, चार या पांच जो मैंने पढ़ाए वो बताओ। टेक्टाइल रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्शन, टच, और बताओ कहाँ रहेगा, स्किन। कीमो रिसेप्टर याद है, कितने प्रकार के, दो, एक और स्मेल, दूसरा टेस्ट, स्मेल वाले ऑल्फैक्टरी, टेस्ट वाले गस्टेटरी, बेटा ऑल्फैक्टरी वाले कौन, नोज, टेस्ट वाले कौन, टंग, और फोटो रिसेप्टर याद है, और ये क्या रिसीव करेंगे, लाइट, लाइट का रिसीविंग करेंगे, विजन, और कौन है, आई, और इसके बाद ऑडिटरी रिसेप्टर, क्या रिसीव करेंगे, साउंड वेव, और इसके लिए कौन, ईयर। बता दें टोटल चार ऑर्गन जिसको आपकी एनसीईआरटी ने सेंस ऑर्गन के रूप में दिया है, सेंस ऑर्गन। तो हमें चार सेंस ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ना, मैं लिस्ट बना दे रहा हूं। पहली लिस्ट है बेटा नोज, दूसरा है टंग, तीसरा है बेटा आई, और चौथा है ईयर। जाने क्यों लोग इस चैप्टर में केवल दो ही बेटा चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक आई और एक ईयर, जबकि दो और है, बोलो कौन, नोज और टंग। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं नोज। यस, नोज में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, दीज आर नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नोज हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, नाक के एक एपिथीलियम में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। सो नोज में पाए जाने वाले रिसेप्टर, दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और इनमें पाई जाती है एपिथीलियम, दोज नोन एज ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। आई एम ट्राइंग टू मेक इट, प्लीज मेरी मदद करिएगा, ओके। इफ दिस इज अ नोज, इट्स अ नेजल कैविटी। आगे ये वाला स्ट्रक्चर आपको मालूम है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं। यहां पर है पैलेट, बोलो क्या बेटा, पैलेट। मैंने लाइन खींची, नॉट द रियल डायग्राम, इट इज अ रे डायग्राम। रे डायग्राम में मैंने मान लिया ये पैलेट और ये माउथ वाला पोर्शन है, तो प्लीज आप इसे मान लीजिए कि माउथ वाला पोर्शन। इसी के ऊपर यहां पर है आई ऑर्बिट, बोलो क्या है, आई ऑर्बिट, और बेटा पीछे वाला पोर्शन, ऑर्बिट आगे इधर कहीं है और पीछे वाला पोर्शन। इसी पीछे वाले पोर्शन पे अबव साइड ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के ऊपरी भाग में, यहां पर बेटा एक एपिथीलियम पाई जाती है, दैट इज नोन एज, That is known as olfactory epithelium. This epithelium is known as olfactory epithelium. आपको लगेगा सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे, मैं अभी आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा जाना बहुत जरूरी था। Olfactory epithelium have three type of cell. कितने प्रकार की सेल, थ्री सर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी कह रही। Olfactory epithelium have three type of cell. मुझे अच्छा लगेगा आप एनसीईआरटी में खुद ढूंढ लें और अंडरलाइन कर लें।
ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मैं तीनों प्रकार की सेल्स आपके सामने बना रहा हूं। ओके, फर्स्ट दे आर नोन एज बाइपोलर नर्व। आपकी एनसीईआरटी में लिखा बाबू, अंडरलाइन मिला, ला पढ़ दे, नहीं कहो कि नहीं बाहर से पढ़ा रहा, पढ़ो, पहले तुमको खुश कर दें। पेज नंबर 323, दूसरा पैराग्राफ, द नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड केयर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। लोगों क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। आगे लिखा होगा दीज आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। बताओ ये क्या लिखा है, बोलो, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। ओके, दीज आर मेड अप ऑफ, बोलो, थ्री काइंड ऑफ सेल्स। और वो भूल गए बताना कि कौन कौन सी सेल है। बस मैं वही गलती कर रहा हूं कि वो तीन सेल बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली सेल का नाम है रिसेप्टर सेल। बोलो क्या नाम है, रिसेप्टर सेल। पहली सेल है रिसेप्टर सेल, जो कि एक बाइपोलर नर्व है। बाइपोलर नर्व रिसेप्टर सेल के साथ साथ हैं कुछ सेल्स जो बेटा बेस ऑफ द एपिथीलियम में प्रेजेंट है, एंड दीज आर नोन एज बेसल सेल्स। तीनों सेल के नाम मैं पूछूंगा, एनसीईआरटी ने बोला है तीन प्रकार की सेल, मैं तीनों प्रकार के नाम पूछूंगा। पहला बोलो रिसेप्टर सेल, दूसरा बेसल सेल, और तीसरे प्रकार की सेल है जो इन दोनों को सपोर्ट कर रही है, एंड दीज आर नोन एज सपोर्टिंग सेल। चलो, नोज में पाए जाने वाले इस रिसेप्टर का नाम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एपिथीलियम का नाम, और उन ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम में कितनी सेल्स, तीन सेल, बोलो कौन, रिसेप्टर सेल्स और बेसल सेल। देखो बहुत आराम से पढ़ा, लेकिन आप लोग रट्टा इसलिए मानते हो। देखो मान लो ये एपिथीलियम है, तो जो बेस में प्रेजेंट है बेस, और जो बता स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, और वो बाइपोलर नर्व है। कैसे नर्व है, बाइपोलर, तो वो नर्व है जिन्होंने मैसेज को रिसीव करना, और बीच बीच में सपोर्ट है, सपोर्ट। बोलो कौन कौन सी सेल, रिसेप्टर सेल, बेसल सेल और सपोर्टिंग सेल। अब सुनो, किसी ने बेटा सुबह से ब्रश नहीं किया, वो आपके सामने आया, मुंह खोला उसने, एक बदबू फैली, आप क्या कर रहे हो, तुम ही हो ना, तो ये सर बदबू वाली बातें क्यों करते हो, खुशबू वाली बातें क्यों नहीं करते हो, करता कोई बढ़िया नहा धो के आया, परफ्यूम लगा के आया, आपके बगल में बैठ गया, अचानक उसने फिजा में बेटा केमिकल फैला दिए, ये जो केमिकल है डिफ्यूजन के द्वारा आपकी नाक के अंदर घुसे, और नाक के अंदर घुसते ही ये बेटा बाइपोलर नर्व द्वारा रिसीव किए गए, और जैसे ये बाइपोलर नर्व द्वारा रिसीव किए गए, इन नर्व ने एक एंड से इस सारे स्टिमुलस को रिसीव किया और दूसरे एंड में पहुंचा दिया। बाइपोलर नर्व, दे आर द नर्व विच रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर का मतलब है बाहर से, लेकिन इस पूरे स्टिमुलस को उन्होंने पकड़ के दूसरी साइड भेज देना है, और दूसरी साइड में एक बल्ब प्रेजेंट है, इस बल्ब का नाम है ऑल्फैक्टरी बल्ब। बोलो का नाम, ऑल्फैक्टरी बल्ब। भैया भगवान करे तुम्हें एकदम सही बच्चे मिल जाए, बात हो जाए, बताओ ऑल्फैक्टरी बल्ब किसी लोक में जाएगा, फोर ब्रेन के तीन पार्ट, क्या मैंने आपको कभी ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ाया था, ये लोब है कि बल्ब, ये लोब नहीं है बल्ब है, याद रखा, और यहां से एक नर्व बनेगी, नर्व नंबर वन, बोलो ऑल्फैक्टरी नर्व, भूल गए, कल क्रेनियल नर्व पढ़ाई थी, कितने पेयर, 12, ओ क्यू टी स्क्वायर, रोज आगे वाला सही है, तो बताओ ये बल्ब का नाम, ऑल्फैक्टरी,
फैक्ट्री बल्ब, और ऑल फैक्ट्री बल्ब से नर्व निकली। यस सर। हम बताओ ऑल फैक्ट्री नर्व, फिर से बोलो ऑल फैक्ट्री नर्व। और सर जी ये ऑल फैक्ट्री नर्व जानी चाहिए लोब में, कौन सी लोब में? ऑल फैक्ट्री लोब। बजाय ऑल फैक्ट्री लोब में जाने के ये घुस जाती है लिम्बिक सिस्टम में। किसमें? लिम्बिक। कल मैंने पढ़ाया था, याद है? बोलो क्या? एमआई कहला, और एक कौन? हिप्पोकैम्पस। हाँ, हिप्पोकैम्पस। चाहे किसी को कुछ ना भी कुछ भी कह रहा हो कि सर बड़ा इजी है, पर ये लाइनें एनसीईआरटी में लिखी थी और तुम्हें आज तक नहीं मालूम थी, आज तक नहीं मालूम थी तुम्हें। तुम बोलो काय कुछ भी, एक आधे लोगों को छोड़ दो, बताओ। ऑल्फैक्टरी नर्व ने, सॉरी ये सुनो, ये बोलो बाइपोलर नर्व ने अपना स्टिमुलस किसको पहुंचाया? ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब से क्या बनी? ऑल्फैक्टरी नर्व। और ऑल्फैक्टरी नर्व कहां घुस गई? लिम्बिक सिस्टम। बोलो, अब देखते हैं लिखा है कि नहीं लिखा। आओ पढ़ो हमारे साथ। नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। दीज आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री काइंड ऑफ सेल। तीनों काइंड ऑफ सेल के नाम बताओ। रिसेप्टर, सपोर्टिंग और बेसल। द न्यूरॉन ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, न्यूरॉन ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम का मतलब कौन सी? रिसेप्टर सेल। यही है बाइपोलर नर्व, इन्हीं का नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड, कहां से? इधर देखो, आउटसाइड टू इनसाइड, देखो एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट एंड डायरेक्टली इनटू पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। बताओ तो ये कौन सा बल्ब है? ऑल्फैक्टरी बल्ब। एंड दिस ऑल्फैक्टरी बल्ब, आगे सुनो, विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, जो कहां से आया है? ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से। और किस नर्व के द्वारा? ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर बोलो, और बताओ 12 पेयर ऑफ नर्व में पहली नर्व का नाम? ऑल्फैक्टरी। घुसना चाहिए ऑल्फैक्टरी लोब में, लेकिन हमारा ऑल्फैक्टरी लोब बहुत डेवलप नहीं है। मैंने पढ़ाया था ऑल्फैक्टरी लोब हमारा बहुत डेवलप, तो फोर ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब इज हम ह्यूमन के केस में डेवलप और लेस डेवलप, लेस। इसलिए ऑल्फैक्टरी नर्व कहां घुसी? लिम्बिक सिस्टम। कॉर्टेक्स की सब कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल। अभी मैं पूछ लेता कि कौन सी नर्व के बारे में बात कही जा रही है, तो सारे लोग बेटा ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते, बल्कि वो बोल रहे नर्व ऑफ एपिथीलियम, नर्व ऑफ। फिर से बोलो, इसका मतलब वो उन तीन सेल में से एक सेल ढूंढ रहे हैं। कौन सी तीन सेल? जो उन्होंने बताई नहीं, बस बोला तीन सेल होती हैं, तो कम से कम तीन सेल में एक सेल का नाम, उसका नाम नर्व है, उसी का नाम बेसल, किसी का नाम सपोर्टिंग। तो रिसेप्टर सेल ने एक्सटीरियर से बाहर से रिसीव किया और कहां गई? ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो किस किस साइज का है? बीन साइज, एक की दो, दो, क्योंकि एपिथीलियम कितनी है? दो, तो दो बीन साइज के बेटा यहां से रिसेप्टर बल्ब निकले, और बल्ब कहां गए? ब्रेन में, और ब्रेन के किस जगह पर? लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम में जिस ट्रैक्ट से गए उस नर्व का नाम ऑल्फैक्टरी नर्व। लो पकड़ो, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जिस दिन भी पूछा जाएगा हालत आपकी ही खराब होगी, इसलिए बहुत क्लियर कट दिमाग में रखो। बताओ अब मैं जो पूछूंगा बताओगे? बताओ, नोज में पाए जाने वाले रिसेप्टर क्या ये कीमो रिसेप्टर हैं? ये बताओ, कीमो रिसेप्टर में हवा में घुले हुए कुछ केमिकल को रिसीव करते हैं? नहीं, पानी में कि हवा में? हवा में घुले हुए कुछ रिसेप्टर बेटा जब जाते हैं तो किस एपिथीलियम में जाते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। कितनी सेल है? तीनों याद है? पहला हाँ रिसेप्टर, दूसरा तीसरा रिसेप्टर सेल ने चीजें रिसीव की, पीछे की तरफ मैसेज दिया, पीछे बीन साइज का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का पार्ट है, इट इज अ ऑल्फैक्टरी बल्ब। नर्व निकली, हम बताओ ऑल्फैक्टरी नर्व, कितनी नर्व निकलेगी? दो, एक राइट और एक लेफ्ट। ब्रेन में घुसेगी? लोब में कि लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम। तो बताओ दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, आया? एंड दिस इज हाउ वी गेट अवर ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन। इस तरीके से हमने अपना ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन रिसीव किया। तो बताओ केमिकल रिसीव किए सलाइवा में घुले हुए केमिकल की हवा में? आइए
सलाइवा में घुले हुए केमिकल को भी रिसीव करते हैं वाया टंग, एंड टंग इज अगेन कीमोरिसेप्टर। बोलो कैसा है? चले चलो, दूसरा आ गया टंग, सेकेंड इज नोन एज टंग। चलिए, टंग जिस बोन से निकलती थी वो यू शेप थी, याद है? बोन का नाम क्या था? हायाइड बोन। और इसी हायाइड बोन से जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज माफ करिएगा, दिस डायग्राम वॉज नॉट द रियल डायग्राम, सो प्लीज इन्हें आप माफ कर दीजिएगा, बस सर किसी तरीके से आपको सिखाना चाह रहे, और कुछ नहीं करना चाह रहे। याद रखना, इसका पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट लिम्फेटिक था। कैसा था? लिम्फेटिक। इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं था। अंटीरियर टू थर्ड, अंटीरियर सॉरी पोस्टीरियर वन थर्ड, अंटीरियर टू थर्ड में थे पैपिला। क्या थे? पैपिला। मैंने बड बोला कि पैपिला? किसी ने बड तो नहीं सुना? मैंने सुना था इसमें पाए जाते हैं पैपिला, और जो मैं पढ़ा चुका हूँ पूछ सकता हूँ, याद है पैपिला के नाम? याद है? चलो बोलो, फिलीफॉर्म। एक क्या था? फंजीफॉर्म, याद आ गया मेरे को। और एक कौन था? फोलिएट, फोलिएट है। और एक सरकम, सबसे बड़े सरकम वैलेट है। पैपिला का मतलब ये उभार है, इन उभार को बोलते हैं पैपिला। टंग में बहुत बहुत छोटे छोटे उभार हैं, ये चार प्रकार के उभार हैं। बोलो कौन? फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सरकम। ह्यूमन में कौन सा नहीं है? फोलिएट। नॉट इन ह्यूमन, ह्यूमन में ये वाला पाया ही नहीं जाता। तो ह्यूमन में कितने पाए जाते हैं? तीन। बोलो, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सरकम। अब इन पैपिला में पाई जाती हैं बर्ड्स, द पैपिला हैव बर्ड्स, एंड दीज बर्ड्स आर नोन एज टेस्ट बर्ड। बोलो, एंड दीज टेस्ट बर्ड हैव द गस्टेटरी रिसेप्टर्स। बोलो, गस्टेटरी रिसेप्टर। जैसे वहां स्मेल का रिसेप्टर था ऑल्फैक्टरी, वैसे यहाँ पर बेटा टेस्ट का रिसेप्टर है गस्टेटरी। लेकिन बर्ड्स नॉट प्रेजेंट एज फिलीफॉर्म में, बर्ड्स आर अपसेंट, बर्ड्स अपसेंट है, और ये केवल प्रेजेंट है फंजीफॉर्म और सरकम में। ये आउट ऑफ कोर्स है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इन टेस्ट ऑफ बर्ड का भी स्ट्रक्चर बर्ड जैसा ही होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बर्ड्स। और इनमें भी चार प्रकार की सेल, एक प्रकार की सेल्स का नाम है रिसेप्टर सेल्स। अगेन ये रिसेप्टर सेल नर्व ही है और कुछ नहीं है, दीज आर नोन एज रिसेप्टर सेल्स। इन रिसेप्टर सेल्स के अलावा दे हैव बेसल सेल्स, बेसल सेल के अलावा दे हैव सपोर्टिंग सेल्स and they look like bird। तो इसमें जो white वाला portion है, this is nothing but this is known as receptor cells। फिर वही लिख दूंगा, कुछ नहीं होगा। white वाली receptor nerve है, receptor, blue वाली supporting है, और base वाली basal है। और चूंकि वो bird जैसी दिखती है इसीलिए इन्हें बोलते हैं taste bud। और इनसे बेटा nerve निकली है जो taste लेके जाती है। और आपकी टंग में टोटल कितने टेस्ट? चार, भूल गए होगे, बताओ कौन? स्वीट, सॉल्ट, बिटर और सॉल्ट। बताओ मिर्चा कड़वा लगता है? मिर्चा का टेस्ट क्या? सो रहे हो? बताओ मिर्चा का टेस्ट कैसा है? पढ़ो, मीठा, खट्टा, कड़वा कि नमकीन? कुछ नहीं, बताओ मिर्चा, मर्चा, मर्चा का टेस्ट नहीं होता, इट इज अ बर्निंग सेंसेशन। क्या गजब, घोड़े हो बिल्कुल, खड़े खड़े सो जाते हैं। और बैठा ऐसे कर रहा सो रहा, आंखें खोल के सोने वाला आदमी पहली बार देखा। तो बताओ, हमारे पास टंग में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, दे आर नोन एज टेस्ट बड और ऑल्सो नोन एज गस्टेटरी रिसेप्टर। एक बात बुक में लिखी हुई है, जाकर के अंडरलाइन करना, मैं बुक बार बार नहीं पढ़ूंगा। बोलते हैं कि टेस्ट के रिसेप्टर और स्मेल के रिसेप्टर इंटीग्रेट करते हैं। ये शब्द जब मिल जाए तो अंडरलाइन कर लेना, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं मतलब मिक्स करते हैं।
अगर आपकी नाक बंद है और आपको कुछ सही से स्मेल नहीं आ रहा है तो टेस्ट अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं अच्छा। इसलिए जुखाम आने पर ऐसा क्या होता है, मम्मा खाना अच्छा नहीं बनाती, बनाती लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों रिसेप्टर एक ही तरीके का बिहेव करते हैं। और ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी है, अंडरलाइन कर लेना। नाउ द मोस्ट अवेटिंग टॉपिक, इट इज नोन एज आई, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आई। आइए, जो कभी नहीं आई वही है आई। पेज ऐड कर दे, ले कर दिया ऐड। आइए, हम लोग एक बढ़िया रिसेप्टर पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज आई। इट इज अ फोटो रिसेप्टर। भाई मेरे बच्चे, मन भर गया हो तो कोई बात नहीं, और मन भरने से होगा कुछ नहीं, टॉपिक तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सामने देखो, उसे को बतियाओ नहीं, नहीं तो आके वहीं कचरेंगे आप। कचरना यू नो दैट, हाथ से मारना मारना होता है, दैट इज नोन एज कचरना। फील करो क्या होगा। तो कोई कई बार कई बच्चे मुझसे गुस्सा जाते हैं, छू कर देखो भला, तो इज्जत बचाते हुए वापस। इट इज नोन एज फोटो रिसेप्टर, और ये हमारी खोपड़ी के अंदर पाई जाती है, दैट इज नोन एज स्कल। कई लोग खोपड़ी बोलते सोचते यहाँ पाई जाती है। स्कल याद है? इट्स अ क्रेनियम फेशियल ईयर, याद है? और स्कल में एक सॉकेट में पाई जाती है, एंड दिस इज नोन एज आई ऑर्बिट, आंख की ऑर्बिट। इट इज अ बोनी सराउंडिंग, आपकी आंखें जिस बोनी सराउंडिंग में है, दैट इज नोन एज आई ऑर्बिट। सो आई ऑर्बिट इज अ बोनी स्ट्रक्चर। चूंकि एनसीईआरटी लिखती तो लिखना ही पड़ता आई ऑर्बिट, और इसी आई ऑर्बिट के अंदर हमारा एक प्यारा सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ आई, एंड दैट इज वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। वैसे मानोगे तो है नहीं, लेकिन मानोगे तो तुमको फायदा मिलेगा। पेन छोड़ के रख दो और हमारे साथ कुछ ऐसी बदतमीजियां करो जो केवल हम करना चाहते हैं, आप नहीं। ओके, बस देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं। ओके, चलो भाई, जब भी ऊपर आखो में लैला का कुल भूख हो जाता, सही कौन होता ना जाते अपने गोन मके, कौन होता ना जाते के हो आज तक में मचाता पे आज खाली जा कह दे भाई मत ले बस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आंख में तीन लेयर है, बोलो मेरे साथ। सबसे बाहर वाली लेयर है फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो मैं बना रहा हूं,